एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज की क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेंट्स को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं वो पढ़ना है तो उसे शुरू करते हैं मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और उससे आगे का कंटेंट देखते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ तो बेसिकली हमें ये देखना है कि सिलेक्शन ट्रांसफॉर्म सेल्स का किस तरीके से होता है तो आपके पास सेल्स है जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं अब आपको उन्हें सिलेक्ट करना है देखना है कि ट्रांसफॉर्म हुए भी हैं उन्हें सेपरेट करना है फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स तो किस तरीके से करोगे तो एक मोस्ट कॉमन मेथड है जो हम यूज करते हैं जिसे लैक जेड जीन बोलते हैं तो आपको लैक ओपेर के बारे में पता होगा लैक ओपेर में लैक जेड जीन भी होती है जो कि बीटा गैलेक्ट्रोसाइडेज नाम के एंजाइम को कोड करती है अब ये जो जीन होती है ये करती क्या है इसका जो भी एंजाइम यहाँ प्रोड्यूस होता है दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लैक्टोज सो दैट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन बी फॉर्मड ठीक है तो बीटा लेक्ट्रोसाइडे जब भी होगा टूट जाएगा इन दोनों में बट क्या होता है कि दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ एक्स गैल बीटा गेलेक्ट्रोसाइडेज जो एंजाइम होता है वो बीटा गेलेक्ट्रोसाइड कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनको भी तोड़ सकता है अब ये जो कंपाउंड्स यहाँ होते हैं ये नॉर्मली कलरलेस होते हैं तो जब भी ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है तो ब्लू कलर जो है वो आपको देखने को मिलता है ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है तो वो आपको मेंशन किया हुआ है तो बेसिकली यहाँ जो हम टेक्निक यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म्ड को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड से सेपरेट करने के लिए उसे बोलते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग आपने सुना होगा इसके बारे में ब्लू वाइट स्क्रीनिंग तो ये बेसिकली एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम ब्लू और व्हाइट कॉलोनीज को स्क्रीन करते हैं देखते हैं कि कौन सी वाली कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो जब भी ये एंजाइम नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो व्हाइट कलर की कॉलोनीज आती हैं। तो बेसिकली व्हाइट कलर की कॉलोनीज होती हैं, जो रिकॉम्बिनेंट होती हैं, यानी जिनके अंदर आपका जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो चला गया है बिकॉज जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे इंसर्ट करते हैं वो बीटा गैलेक्ट्रो जीन की साइट होती है तो जीन को आपने डिसरप्ट कर दिया अपने डीएनए को डाल के तो उसकी वजह से व्हाइट कलर की कॉलोनीज आएंगी कलरलेस कॉलोनीज आएंगी ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं आएंगी तो ब्लू कलर की नॉर्मल कॉलोनीज है व्हाइट कलर की रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है ये तरीका होता है जिससे हम इस जीन को यूज करते हैं एक और चीज होती है जैसे बोलते हैं बीटा बीटागेलेक्ट्रोसाइडे जीन कॉम्प्लीमेंटेशन तो मतलब हम ये देखते हैं कि हमारी बीटा गलेक्ट्रोसाइडेज की जो जीन है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं तो कॉम्प्लीमेंट करना या ना करना किस पे डिपेंड करता है तो होमोटेट्रामर एंजाइम होता है बेसिकली बीटा गलेक्ट्रोसाइडेज तो चार सेम टाइप के सब यूनिट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो आप क्या करते हो लैक्सेट जीन का फाइव प्राइम सीक्वेंस एक वेक्टर में डाल देते हो और लैक्सेट जीन का दूसरा वाला सीक्वेंस थ्री प्राइम सीक्वेंस दूसरे वेक्टर में डाल देते हो तो दो वेक्टर्स आप यूज कर रहे हो दोनों के अंदर अलग अलग पोर्शन है लैक्सेट जीन का अब क्योंकि लैक्सेट जीन का थोड़ा थोड़ा पोर्शन दोनों जगह है तो जब दोनों सेगमेंट साथ में मिल जाएंगे तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा अगर दोनों मिले नहीं है तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा ये बेसिक uh, आइडिया है इसका तो फाइव प्राइम सीक्वेंस यहाँ है थ्री प्राइम यहाँ है अगर दोनों सीक्वेंसेस सेपरेटली ही रहते हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनता है बट अगर ये दोनों जो है साथ में जुड़ जाते हैं तो फिर प्रोडक्ट बनता है जैसे ये वाला जो सेगमेंट है ये हाफ पार्शियल पेप्टाइड बनाएगा ये पार्शियल पेप्टाइड बनाएगी अब ये दोनों पेप्टाइड जब जुड़ जाएंगे तब जाके आपका फंक्शनल बीटा एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होगा देन वी हैव एक्स ग्याल कलरलेस होता है और एक्स गैल ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है ये मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि नॉर्मली कलरलेस होता है बट जब ये एंजाइम फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ब्लू कलर के uh, कलर के सब्सटेंस में चेंज कर देता है यहाँ पे इनका नाम भी लिखा है कलरलेस होता है फाइव ब्रोमो फोर गैलेक्टो पायरिनोडेज नाम का पायरिनोसाइड नाम का एक कंपाउंड है तो वो कलरलेस होता है जब ये डाइमर फॉर्म कर लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है तब ये बनाता है फाइव ब्रोमो फोर क्लोरो थ्री हाइड्रोक्सी इंडोल ये है जो कि ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है तो वो पूरा ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का एसेंस है जो मैंने आपको अभी बताया इस तरीके से पूरा ब्लू वाइट स्क्रीनिंग काम करता है तो एक्चुअल रिएक्शन जो यहाँ पे हो रहा है वो ये हो रहा है तो एक्स गैल कलरलेस है आपके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम आएगा पानी का यूज करेगा गैलेक्टोज फाइव ब्रोमो फोर क्लोरो थ्री हाइड्रोक्सी इंडोल में कन्वर्ट कर देगा अब ये जो कंपाउंड है ये डायमराइज होता है और ऑक्सीडाइज होता है मतलब डाइमर की फॉर्म में दो कंपाउंड साथ में जुड़ जाते हैं तब जाके ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो आपको देखने को मिलता है तो इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन होता है अब मान लेते हैं आपके पास डीएनए है उस डीएनए को आपने क्या करना है होस्ट के अंदर डालना है होस्ट क्या है बैक्टीरिया ठीक है तो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया भी हो सकता है प्लांट भी हो सकता है एनिमल भी हो सकता है एक्चुअल में होस्ट तो उसके अंदर आपको डीएनए इंसर्ट करना है इंट्रोड्यूस करना है तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं क्या तरीका होता है तो वो भी जान लेते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर जब भी हमें डीएनए को इंट्रोड्यूस करना होता है उसके लिए जनरली हमारे पास इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक होती है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होती है तो ये दो टेक्निक्स है जिनके मैंने नाम आपको बताए इलेक्ट्रोपोरेशन इज इलेक्ट्रिक शॉक तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन का इलेक्ट्रिक शॉक देते हो बैक्ट बैक्टीरिया को जिसकी वजह से बैक्टीरिया की वॉल में होल्स हो जाते हैं उन होल्स के थ्रू डीएनए जो है वो इजीली एंटर कर सकता है सिमिलरली केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है जिसमें हम केमिकल से मॉडिफाई करते हैं जो भी आपका सेल होता है उसे और जब उसे मॉडिफाई कर देते हो तो कैल्शियम जो होता है उसकी वजह से यहाँ जो पोर्स बनते हैं उन पोर्स से फिर डीएनए इजिली एंटर कर सकता है ठीक है तो ये होता है एक तरीका तो एक इलेक्ट्रिक शॉक का एक केमिकल ट्रीटमेंट का है इन्हीं से हम कॉम्पिटेंट सेल्स बनाते हैं आपने सुना होगा कॉम्पिटेंट सेल्स क्या होते हैं तो कॉम्पिटेंट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो की डीएनए को टेकअप करने की एबिलिटी रखते हैं तो आप क्या कर रहे हो कि डीएनए को टेकअप करवाने के लिए आप सेल्स को या तो केमिकली मॉडिफाई कर रहे हो या इलेक्ट्रिक शॉक देके कर रहे हो ताकि आपका जो भी सेल है वो इजीली उसके अंदर जो भी आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इजीली चले जाए प्लांट्स के अंदर अगर आपको करना है तो उसके लिए एग्रोबैक्टीरियम वाला हम सबसे कॉमनली यूज़ करते हैं ऑल डू दिस इज नॉट फाउंड इन मोनोकॉट्स मोनोकॉट्स में कॉमन नहीं है ये मोनोकॉट्स um, में इतना इजीली एग्रो तो मोनोकॉट्स के लिए जनरली नहीं होता है ये प्रोसीजर ऑल दो बाकी सब प्लांट्स के लिए एग्रोबैक्टीरियम हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं बाकी मेथड्स इतना यूज नहीं होते प्लांट वायरसेस का कर सकते हो जैसे कॉलिमो वायरसेज होते हैं जेमिनी वायरसेस होते हैं इनका यूज कर सकते हो इलेक्ट्रोपोरेशन का यूज कर सकते हो जो इलेक्ट्रिक पल्सेज होती है माइक्रो इंजेक्शन का यूज कर सकते हो जिसमें आप डीएनए को इंजेक्ट कर दोगे प्रोटोप्लास्ट के अंदर तो प्लांट के सेल का प्रोटोप्लास्ट लो यानी उसके सेल वॉल हटाओ और उसके अंदर इंजेक्शन की मदद से माइक्रो इंजेक्शन होते हैं तो बहुत छोटे इंजेक्शन होते हैं उनकी मदद से डीएनए अंदर डाल दो या तो पार्टिकल बम्बार्डमेंट होती है जिससे आप जो भी आपके पास सेल्स का मास है उसके ऊपर आप गोल्ड टंगस्टन के पार्टिकल्स को गन की मदद से बम्बार्ड करते हो जब बम्बार्ड करोगे तो जो भी आपके गोल्ड टंगस्टन के पार्टिकल्स के ऊपर डीएनए है जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इजीली प्लांट्स के आ, सेल्स के अंदर चली जाएगी टिश्यूज के अंदर चली जाएगी एनिमल्स के लिए जो हम यूज करते हैं उसके लिए अलग अलग होता है जैसे ट्रांसफेक्शन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन माइक्रो इंजेक्शन एंड ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन तो आपको पता ही है बैक्टीरियो की मदद से ट्रांसफेक्शन होता है जिसके अंदर हम ट्रांजिएंट या स्टेबल इंट्रोडक्शन करते हैं डीएनए का ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन के लिए जैसे निकोशियाना बेंथमियाना का यूज करते हैं मतलब टोबैको का ट्रांजिएंट सिस्टम में हम जनरली यूज करते हैं अः uh, यहाँ पे क्योंकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डीएनए को एक्सप्रेस करवा सकते हो तो उसके लिए जो मेथड होता है उसे ट्रांसफेक्शन बोलते हैं एक प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का भी होता है तो आप क्या करते हो दो सेल लो प्रोटोप्लास्ट लो और उनको फ्यूज करवा दो यूजिंग पीईजी यानी पीईजी केमिकल बीच में डाल दो ताकि ये दोनों सेल स्टिक हो जाएं आपस में और अगर स्टिक हो जाएंगे तो उनके प्रोटोप्लास्ट जो होंगे वो फ्यूज कर जाएंगे और जेनेटिक मटेरियल एक ही सेल के अंदर चला जाएगा माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक का भी यूज कर सकते हो तो यहाँ पे ओ साइड्स के लिए या एग्स के लिए जनरली हम माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं तो वहां पे डीएनए आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हो तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टुडे इतना ही करना था हमें क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा व्हिच इज पीसीआर तो पीसीआर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो बीच में थोड़ा बहुत गैप हो सकता है मेरे कितना स्केड्यूल बिजी है कितना नहीं उसके हिसाब से बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊ और आपके साथ शेयर करूं बट कभी कभी नहीं भी होती है तो प्लीज उसे माइंड मत करना मैं कोशिश कर रही हूँ जितनी ज्यादा बना सकती हूँ उतनी बनाऊँ तो पी करेंगे हम नेक्स्ट टाइम पढ़ के जरूर आना और वीडियोज के थ्रू अच्छे से समझना उसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बाय बाय